मेरे ना बस बहन जो है ना वो इतना गुस्सा करने वाले हैं, उनको इतना गुस्सा आता है, लेकिन उनको गुस्सा इतना क्यूट है। ये ना अभी कल परसों की बात है, दाल चावल मैंने बना के रखे सामने, तो जो ही उन्होंने मुंह में डालते, पता नहीं शायद नमक उसके अंदर ज्यादा हो गया था, तो उन्होंने मुंह से निकाल के ऐसे करके दीवार के ऊपर सामने मारे, तो ऐसा डिजाइन बन गया दीवार के ऊपर। तो पहले तो मैं डर गई, मेरी शिट फ्रीज हो गई, बाद में मुझे इतनी हंसी आई वो डिजाइन देख के। मैंने कहा देखे आपने ये क्या कलमकारी की है, भी आर्टिस्ट ना, वैसे आर्टिस्ट फील आती है उनके अंदर से कभी कभी। तो ना मुझे ना इस तरह की माचू मैन पसंद है, मुझे इस तरह की जो ये गे टैप ना मर्द टैप होते हैं ना वो नहीं मुझे पसंद। ऐसे 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 करते रहते हैं, साथ बर्तन भी धोते रहते हैं, मुझे नहीं इस तरह के बेबी बिल्कुल भी मैं मुझे नहीं पसंद। तो ना बात वही है कि वो फिर अक्सर जब मेरे हस्बैंड इस तरह गुस्से में प्लेटें सलेटें मारते हैं ना, तो मुझे देख के यही तसल्ली होती है कि मेरा बेटा देख रहा है, वो देख कर सीख रहा है कि भाई कल को उसकी बीवी आनी है, तो क्या नाम है वो सेंसिटिव होने के चक्कर में उसको ऐसे ऐसे रोटियां नहीं थाप के देता रहेगा, और ये जो है ना क्या नाम है रोमांटिक होने के चक्कर में तो ये नहीं कहेगा कि मैं आज बर्तन धो दू आपको, तो उसको पता चले कि भाई असली मर्द क्या है, उसको पता है कि उसने देखा हुआ है अपने बाप को। तो कसम से ना मैं ये कहती हूँ कि मैं जब भी अपने हस्बैंड को थोड़ा देखती हूँ ना, तो बर्तने तोड़ते हुए, तो ना जब भी वो जो मूवी नहीं आई थी 10-15 साल पहले शान की, अच्छू अखड़ाक, जिसके अंदर वो गंडा सा लेकर खड़ा होता है अपनी मूछों का टाव दे रहा होता है, तो मुझे उनका ही ऐसे इमेज आ जाता है। तो ठीक है मर्दों को नहीं ऐसे प्यारी चीजें नहीं होना चाहिए, उनको ऐसे डाडी चीजें भी होना चाहिए, और मर्द हो तो ऐसे ही हो, शोहर भी ऐसे ही होने चाहिए, ऐसे नर्मो मुलायम नाजुक शादुक मुझे नहीं पसंद।